अभी अभी खबर मिली है कि अज्ञात हमले में 2 लोगों की मौत हो गई है। इस हत्या के पीछे आतंकवादी संगठन हथियार माफिया और ड्रग्स माफिया का हाथ होने की आशंका है। मारे गए व्यक्ति सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स बताए जा रहे हैं, जो इन संगठनों के पीछे थे। कयास लगाए जा रहे हैं कि पिछले दिनों जितनी भी वारदातें हुई हैं, ये इन्हीं माफियाओं के संगठित गिरोह द्वारा कराई जा रही थी, ताकि देश में अवैध हथियार व ड्रग्स का व्यापार बढ़ाया जा सके। सरकार की तरफ से टाइगर फोर्स नामक एक सीक्रेट एजेंसी बना दी गई है, जो इनकी गतिविधियों पर नजर रख रही है व इन्हें जड़ से खत्म करने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन इन माफिया और आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में कई सीक्रेट सर्विस एजेंट्स की शहादत हुई है, जिसकी वजह से ये संगठन और भी ज्यादा हिंसक हो गया है। सरकार की तरफ से इन माफिया संगठनों को जड़ से खत्म करने की कवायद तेज की जा चुकी है। अगले कुछ दिनों में ये हमले और भी तेज होने की आशंका बताई जा रही है। बताइए सर। नूर मैम ने अपॉइंटमेंट फिक्स किया था आपके साथ। यस सर। आइए। आइए। Hello. Hello. We are interested in the development of your country. That's why we approached you. I am glad to know that you and your country interested for our mining and security projects. But you know, we have a proper bidding process and through that only you have to come. Can you give me file? Thank you. Now, can you leave us? That's fine, but as I told you, through our bidding process only, you have to apply for projects. I cannot break my rules. But you know, it's difficult and so tough for us. You know, everyone cannot appreciate the best offers. Please call. Call your secretary. Please come. ये प्रोजेक्ट फाइल पकड़ो और यहाँ से निकल लो। इन्हें हिंदी में समझा देना, यहाँ दोबारा आने की जरूरत नहीं है। Please go. Ma'am, we have to leave. मैडम प्लीज रिमेम्बर, माई कंट्री वेलकम्स एवरीवन, बट अवर नेशनल इंटरेस्ट नॉट फॉर सेल। वी विल वेलकम यू इफ यू विल कम थ्रू राइट प्रोसेस। बट वेट, वी विल कम बैक।
गार्ड। जी सर। ये मेरी गाड़ी के सामने गाड़ी किसने लगा दी? साहब पेट्रो साहब की गाड़ी है। पेट्रो साहब की गाड़ी है? जी सर। चल चाबी दे, मैं हटा देता हूँ। अच्छा और एक काम कर, पेट्रो को कहीं जाना हुआ तो मेरी गाड़ी की चाबी दे देना। वैसे अभी अभी उसकी शादी हुई है, बोलना घर पे रहे। जी सर। Where is the third donkey? यार दीप्ति कितना वेट कराती हो यार। अच्छा बस अब आदत डाल लो। कोई बुरी आदत भी डलवा लो। इतनी अच्छी आदत से तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। बर्बाद तो तुम हो चुके हो। By the way, I didn't see your car today. You didn't get the usual one. हाँ, मेरी दो है। अच्छा, I see.
मतलब कभी ये ले आता हूँ, कभी वो ले आता हूँ, नो बिग डील फॉर मी। वही ना जो नीचे रेड वाली खड़ी है। या यू लाइक इट? हाँ, इट्स ब्यूटीफुल। यू सी ये स्पेशल ओकेजंस के लिए है। स्पेशल ओकेजंस। सर बिल लाऊं? अबे अभी तो आई है। सर मैं कल का कह रहा हूँ। अबे मरवाएगा क्या? थोड़ी देर बाद आ। ओके सर। कोई कंफ्यूजन हो गई थी? कंफ्यूजन किसको? व्हाट? कंफ्यूजन किसको? वेटर को यार, और किसको? डू यू थिंक आई एम अ फूल? मतलब? I'm really disappointed. तुम सब एक जैसे होते हो यार। Like, और कितनी वाइफ चाहिए तुम्हें? सबको बोलती हूँ आई लव यू, मतलब अपनी कार के पीछे भी लिखवाया हुआ है हैप्पीली मैरिड। वाओ। फिर भी लेट मी एक्सप्लेन यार। वो जस्ट शट अप। अपनी स्पेशल कार ना अपनी स्पेशल वाइफ को लेकर अपना स्पेशल बिल पे करो। एंड यू नो व्हाट, जस्ट गो टू अ स्पेशल हेल एंड डोंट एवर एवर कॉल मी अगेन। सर ये बिल कल का और आज का। टॉयलेट है? हाँ सर टॉयलेट है। तो एक काम कर, इसे रोल कर और वहाँ लगा दे, किसी के तो काम आएगा। अरे पैसे तो फिर भी देने पड़ेंगे सर। तू सारे पैसे ले ले आज यार, अबे इतने जल्दी ख़त्म हो गए। थैंक यू सर। सर बाकी के पैसे? अच्छा 5 मिनट दे मुझे अभी। ओके सर। राज बचा ले भाई। Three Indians. Here we go now. This is gonna be crazy. So hold your breath. Sherdill. Sir, thanks. किस बात का thanks? सर आप सही टाइम पे हेल्प कर देते हो, जब भी जरूरत होती है। अच्छा 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 शेरदिल, एक बात मानना मेरी, हाल ही में तुम्हारी शादी हुई है, ठीक है? और अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं करोगे तो हर महीने ऐसे पैसे मांगोगे, समझ आई मेरी बात? सर बट कल सही टाइम पे आपने पैसे ट्रांसफर कर दिए। कोई बात। राज तूने कहा पैसे तूने दिए थे? किसका फोन है? हेलो। हाँ जान। अरे मेरी जानी भाई जान बोल रहा हूँ। हाँ तुम्हें जानी है? हाँ 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 चला मदद कर। क्या मदद चाहिए भाई? यार I'm stuck यार, I'm so stuck right now, I need money, हेल्प कर दे यार। कितना चाहिए भाई? 5000। 5K मेरी जान, प्लीज हेल्प कर दे, इट्स डैम अर्जेंट। अच्छा चल रख, मैं करता हूँ चल चल मैं करता हूँ, प्लीज पैक कर दीजिए। कितना हो गया भैया? मेरे प्यारे शेरदिल फोन उठा लेना। अबे यार। हाँ जी राजू। हाँ जी राज बोल रहा हूँ। वैसे भी शाम कोई अच्छी नहीं गुजर रही थी, ऊपर से तुम्हारा फोन आ गया। हेल्प चाहिए। हेल्प मांग रहे हो या ऑफर कर रहे हो? बताओ जी क्या हेल्प चाहिए? 5K 5K मेरे हाथ फुल हैं। 5 क्या, मैं 1.5 किलो भी नहीं उठा सकता। और 5K रुपीस। वाह। एक बैचलर एक शादीशुदा से पैसे उधार मांग रहा है? राज गेट मैरिड एटलीस्ट टू जस्टिफाई दिस गरीबी। हेल्प करो, इश्यूज हैं। तुम लोग हमेशा मुझे ऐसे ही मुश्किल में डाल देते हो। नॉट ऑलवेज। ऑलवेज आई हेट यू गाइस। कलसी सर
सर गुड इवनिंग। बोलो जी दसो। बस सर, सर एक्चुअली थोड़ी हेल्प चाहिए थी आपकी। कैसी हेल्प? सर कुछ पैसों की रिक्वायरमेंट थी। सर आपको पता ही है आजकल खर्चे कितने बढ़ गए हैं। तुझको फाइनेंशियल इश्यूज रहते हैं, ये कुछ अटपटा सा लग रहा है। नहीं सर, सही कह रहे हैं आप। जी सर, जी सर, मैं ध्यान रखूँगा। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? सर सर 5K। पैसे कैसे कम पड़े तुमको? मगर 5,000 कम पड़ रहे हैं तो कुछ कोशिश करता हूँ, शायद काम बन जाए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। एक मिनट, मैंने हेल्प की थी, पैसे मैंने भी नहीं दिए थे। हैरान हो? चलो मैं मिलाता हूँ उनसे जिन्होंने पैसे दिए थे। ठीक है, आ जाओ। राज, मुझे लग रहा है लेके जा रहे हैं चीफ के पास। क्या सीन है? पता नहीं है। चीफ? यस। ओए, कुछ कहना था आपसे, इजाजत है? क्या कलसी जी, आपका हमेशा का इजाजत। ये लीजिए आप 200 इजाजत। कोई इन्वेस्टमेंट और कोई मैनेजमेंट नहीं है आपका, थोड़ा सा प्लानिंग करिए। चीफ साहब, पैसे मैंने नहीं लिए थे। पैसे किसी और? किसने लिए थे? किसी और के लिए थे। किसके लिए थे? इनके लिए। किनके लिए थे? ये जो आए हैं इन्होंने लिए थे। कौन है ये? व्हाट द शर्मा जी, हमारी मीटिंग फिक्स हो गई है। जी मंत्री जी, ये उसी मीटिंग का शेड्यूल है। आज इसको आप एक बार और चेक कर लीजिएगा, फिर हमें बताइए। ठीक है मंत्री जी, मैं चेक कर लूंगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू टाइगर फोर्स, थैंक यू फॉर योर टाइम। शर्मा जी बैठिए आप। चीफ साहब, क्यों बुलाई है मीटिंग इतनी जल्दी में? मुझे पार्लियामेंट सेशन में जाना है। सर ये बहुत जरूरी है, आई बेग योर पार्डन। चीफ, जरूरी तो ये है कि आप जल्द से जल्द इस मॉड्यूल को खत्म कर दें, लेकिन उसके बजाय आपने मुझे यहाँ बुलाया। चीफ साहब, आपके लोग किसी काम के नहीं हैं। हमारे इतने लोग मारे जा रहे हैं और आपकी फोर्स कुछ भी नहीं कर पा रही है। मुझे लगता है आपका और आपकी फोर्स का पोजीशन मुझे चेंज करना पड़ेगा। क्या कर रहे हैं आप लोग? सर हमने बहुत कुछ किया है, आवर बॉयज हैव वर्क्ड हार्ड। हमें कुछ लीड मिली है, एक बार आप उसे देख लें। ही इज आवर सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर मिस्टर कलसी। कलसी साहब को हमने उस मॉड्यूल को ब्रेक करने के लिए दिया है। ये मॉड्यूल ही है जो सारे हिट कर रहा है। इस टीम में कितने लोग हैं, कौन इसका मास्टरमाइंड है, कुछ पता नहीं है। हमारे पास कुछ इंटरसेप्ट्स हैं जो कलसी साहब हमें एक्सप्लेन करेंगे। श्योर चीफ, इजाजत है मंत्री जी। शुरू कीजिए। सर ये है अबू खौफ, यही सारे हिट्स करवा रहा है। इसकी हैंडलर्स के साथ सीधी बात है जो कहीं बाहर बैठे ऑपरेट कर रहे हैं। इसके बारे में हमें सिर्फ इतना ही पता है कि ये कोल्ड ब्लडेड मर्डरर है। ये कौन है, कहां से आया है, इसकी रियल आइडेंटिटी क्या है, किसी को कुछ नहीं पता। इनफैक्ट सीसीटीवी में इसका या इसके ग्रुप का कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसके सारे अटैक्स प्री प्लान्ड होते हैं। यह है अबू जर्रा, इसके ग्रुप के साथी इसको जर्रा के नाम से बुलाते हैं। जर्रा का मतलब चीर फाड़ करने वाला, और यह इस ग्रुप का सबसे खतरनाक असैसिन है। लिस्ट में अगला नाम अबू जार, ये इनकी बैकअप टीम और स्नाइपर टीम का लीडर है। इसका निशाना अचूक है और यही इसकी खासियत है। इस ग्रुप का अगला मेंबर है श्याम, और ये माइंस और बोबी ट्रैप्स का एक्सपर्ट है। और ये है शम्स, ये लॉजिस्टिक्स दिखता है। इसके बारे में हमारे पास कुछ खास नॉलेज नहीं है, ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास इसकी। सर मे आई प्रेजेंट द लास्ट स्लाइड? और ये आखिरी स्लाइड उनके नेक्स्ट टारगेट से रिलेटेड है। कौन है वो कुछ नसीब? Unfortunately, sir, वो आप हैं। क्या बकवास कर रहे हो? यहाँ बुला के डराना चाहते हो मुझे?
गाइस प्लीज एक्सक्यूज अस सर, कलसी सही कह रहे हैं, इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास यही है। चीफ, तो अब तक आप लोगों ने किया क्या? आपकी फोर्स कुछ भी नहीं कर पा रही है। सर, आई अश्योर यू वी विल हैंडल दिस, बस आप हमें ऑप्स टीम की इजाजत दे दीजिए। शर्मा जी, कल आप फाइल इमीडिएटली मंत्रालय भिजवाइए। श्योर सर। शर्मा जी, फाइल पे तुरंत मेरा अप्रूवल लेके और आगे प्रोसेस के लिए भिजवाइए। जी सर। ये काम जल्द से जल्द होना चाहिए। ओके सर। ठीक है चीफ, मिलते हैं। राइट सर। How are you? कैसी हैं आप? अच्छी हूँ सर। आप कैसे हैं सर? I'm fine. You look good. काम अच्छा चल रहा है आपका। आप लोग तो वैसे भी इलेक्शन टाइम में खूब कमाते हैं। ये आपका मेन सीजन है? हाँ सर। We are always so busy. You know, these events, press conferences, etc., etc. Correct. अच्छा बताइए कैसे याद किया? वैसे we could have met in our office, you know, unless you didn't want to meet there. आइए नूर, जॉइन में। ये स्वीट हमने अपनी स्पेशल मीटिंग्स के लिए अरेंज किया हुआ। यहाँ की कॉफी बहुत अच्छी होती है, ट्राई करिए। सर, यू हैव ऑलवेज बीन अ गुड सपोर्टर टू द पार्टी। या। फाइनेंशियली, एक्टिवली, इनफैक्ट मिनिस्टर सर आल्सो अप्रिशिएट्स दैट। करेक्ट, लेकिन बहुत महंगी पड़ी है उनकी एप्रिसिएशन मेरे को। उनकी एप्रिसिएशन की वजह से मेरा बहुत डेप्रिसिएशन हो गया। मैं कोई भी काम डायरेक्टली नहीं ले सकता, बिकॉज आई नो है। क्यों सर? आपको पता है मेरा प्राइमरी बिजनेस माइनिंग और वेपन कॉन्ट्रैक्टिंग है, और सर की मिनिस्ट्री भी सेम है, होम और माइनिंग। सो आई कैन हार्डली गेट एनी कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम हिम बिकॉज आई एम सीन एज बीइंग क्लोज टू हिम। और इसके अलावा आपको ये भी पता है कि हमने कल किसी को भेजा था, वो भी आपके कहने पे, जिसे धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया। सर, बट उन्होंने गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करना चाहा। आप जानते हैं सर को, वो अनफेयर नहीं हो सकते। ही इज वेरी अपराइट। मतलब कॉफी भी पीनी है और कप भी साफ होना चाहिए। जब कपड़े पहनते हैं और बाहर जाते हैं तो सिर्फ कपड़े गंदे नहीं होते, धूप में पसीना हो चाहे बारिश का पानी, गंदे दोनों होते हैं, कपड़े भी और हम भी। सर, बट आप तो पार्टी की फिलॉसफी को जानते हैं ना, और मानते भी हैं। कोई और लोग जो जनरली पार्टी की फिलॉसफी को सपोर्ट करे, जो अनड्यू अनफेयर एडवांटेज एक्सपेक्ट ना करे, कैन यू हेल्प अस? फिलॉसफी, पॉलिटिक्स और फिलॉसफी, लेकिन आप कह रही हैं तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कहाँ मिले? I don't want the press to see us. I don't want people to see us together. आपको पता है इलेक्शन से कुछ दिन पहले ये थोड़ा सेंसेशनल हो जाएगा। उनके कजन का एक होटल है, वहाँ मीटिंग अरेंज कर लेते हैं, लाइक एन इनफॉर्मल मीटिंग। But will that be secure? उनकी सिक्योरिटी, but I hope इस बार धक्का मार के बाहर नहीं निकाला जाएगा। That's your arrangement? वहाँ ना ज्यादा लोग रहेंगे ना सिक्योरिटी, मुझे लगता है यही सही रहेगा, खुल के बात हो जाएगी। कोई सेफ्टी कंसर्न्स तो नहीं होंगे ना? मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ इशू होगा। ठीक है, तो आप बता दीजिएगा, कंफर्म कर दीजिएगा मेरे में। ऑल राइट सर। ओके, सी यू सून। थैंक यू। एक सेकेंड नूर जी, पीआर करती हैं ना? आई मीन यू वर्क फॉर अ पीआर एजेंसी, राइट? या। यू नीड योर फोन? ओह, थैंक यू सर। वेलकम। Hello. I'm fixing up a meeting for you.
खुशी कम इन। यस सर। एनी अदर लीड्स? काफी इंटरसेप्ट्स मिले हैं जिससे पता लगता है कि इनके प्लान्स अब काफी एडवांस स्टेज पर हैं। कभी भी हिट कर सकते हैं ये लोग। एनी प्लान टू लोकेट? नो सर, काफी स्ट्रॉन्ग सिग्नल मास्किंग है, हर 3 सेकंड में ट्रैप हो जाता है। सैटेलाइट फोन्स, हमने काफी कोशिश की टैबुलेट करने की लोकेशंस के लिए, बट एवरी टाइम। एनी अदर अपडेट सर? हियर चीफ, इसको देख के तो लग रहा है कि ये बहुत बड़ा प्लान कर रहा है। खुशी, यू कीप ऑन ट्रैक, लोकेशन मिलते ही अपडेट करो। श्योर सर। कलसी, वी आर इन बिग ट्रबल, तुम मिनिस्टर साहब से मिलो और फाइल अप्रूव कराओ इमीडिएटली। मंत्री जी, मैंने कल आपके ऑफिस में एक कॉन्फिडेंशियल फाइल पहुंचाई थी, कुछ हुआ उसका? मिस्टर कलसी, आपने जो मुझे फाइल भिजवाई थी वो मैंने कल पढ़ी है। मिस्टर कलसी, आपने जो टर्म्स ड्राफ्ट की हैं वो तो ऑलमोस्ट सुसाइड मिशन है। हम वैसे ही अपने बहुत सारे एजेंट्स खो चुके हैं और मैं अपने कुछ और एजेंट्स खोना नहीं चाहता। मंत्री जी, हमने बहुत मेहनत की है और हमें कई सुराग भी मिले हैं, इंटरसेप्ट भी किए हैं, हम उनके ठिकाने तक पहुंचने वाले हैं। ओके, आपने हमें बहुत मुश्किल में डाल दिया है, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं। मुझे फाइल दीजिए, मैं इसे अप्रूव करता हूं। कलसी जी, ये एक शह और मात का खेल है जिसमें हम हारना नहीं चाहते। थैंक यू मंत्री जी, इजाजत है। रुकिए कलसी जी, सेक्रेटरी गेट देम इन। मंत्री जी का लेटर भी हमें मिल गया है, परमिशन लेटर। वाओ कलसी, यू आर ए सुपरमैन। कॉल द 3i। राइट सर। श्योर सर। योर ट्रेनिंग स्टार्ट्स टुमारो। याद रखिए, ये एक क्रैश कोर्स है जो आपकी टेक्निकल एबिलिटीज और एंड्योरेंस के लिए रखा गया है। सो गाइस, मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। ये शुभांग रतूड़ी जी का ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? ऊपर। ऊपर? भाई ऊपर जाने में अभी बहुत समय है, अभी वहाँ नहीं जाना, ट्रेनिंग सेंटर का रास्ता बताओ। यहाँ से सीधे ऊपर जाता है। अरे भाई रास्ता तो बताओ। सीधे ऊपर जाना। चलो। कहाँ रहते हैं ये शुभांग रतूड़ी? सही में यार, ये तो सच में ऊपर लेके जा रहा है। अबे ये खलसी ने मरवा दिया यार। क्या खलसी चीफ दोनों ने मिलके? सही बोल रहे, अपनी लग गई यार। तेरी कौन सी नई बात है?
अपने बाईं तरफ ग्राउंड में फॉलन हो जाइए। आपके लिए यहां पे 7 दिन का क्रैश कोर्स तैयार किया गया है। क्रैश कोर्स, इसका मतलब हम तुरंत शुरू होंगे। अपने हथियार धरती पर रख दीजिए। सारे हथियार। सर, वी डोंट हैव एनी मोर वेपन्स। डैड, सर को तेरा वेपन चाहिए। अपनी जेबों में हाथ डालिए और जो कुछ भी है निकाल के नीचे रखिए। ग्राउंड में मेरी दाहिनी तरफ जाके मेरा इंतजार करिए। दौड़ के ब्लडी हिपीज। आई होप यू कैन सी बेटर नाउ। सो द नेक्स्ट 7 डेज हम लोगों का एजेंडा ये है कि हम लोग जंगल वॉरफेयर और सर्वाइवल के बारे में सीखेंगे, राइट? आपका कोर्स का कवरेज अगले 7 दिन में होगा कि आप लिविंग ऑफ द लैंड सीखेंगे, जिसके अंदर आप ये जानेंगे कि धरती से जो है बिना किसी रिसोर्सेज के कैसे आप अपने आप को सस्टेन कर सकते हैं। उसके अलावा यू विल लर्न कैमोफ्लेज एंड कंसीलमेंट। फॉर अ गुड जंगल वॉरियर यू नीड टू बी इनविजिबल एंड यू नीड टू बी एबल टू सी द एनिमी एट ऑल टाइम्स। सो कैमोफ्लेज एंड कंसीलमेंट के दौरान आपको ये ट्रेड क्राफ्ट सिखाई जाएगी। यू विल लर्न साइलेंट किलिंग टेक्निक्स, राइट? क्योंकि कंसीलमेंट का एक अहम हिस्सा है कि आपके बारे में, आपके होने के बारे में किसी को कानो कान खबर ना लगे, इसीलिए आप साइलेंट किलिंग टेक्निक्स सीखेंगे। स्मॉल आर्म्स की मास्टरी आप हासिल करेंगे। उसके अलावा बुश फाइटिंग आप सीखेंगे, जहां पे कि जंगल के नेचुरल टेरेन को आप किस तरह बेहतरीन तरीके से किलिंग फील्ड्स बना सकते हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। एनी क्वेश्चंस? नो सर। वन क्वेश्चन सर। या सर, आई मीन डू वी नीड टू डू ऑल ऑफ दिस? यस सर। आई एम सॉरी बट लिविंग ऑफ द लैंड, कैमोफ्लेज एंड कंसीलमेंट, साइलेंट किलिंग टेक्निक्स, सर आई मीन वी नो दिस, राइट? We are the Tiger Force. We know this. Okay. Okay. Put your books away. Follow me. Okay, sir. Let's go. क्या चल रहा है? What's the plan? I don't know. So you are the hippies that the Tiger Force has sent to me. आप हैं टाइगर फोर्स की आन बान और शान? Are you boys any good? Better than the best, sir. Tougher than the toughest, sir. Push up करते हो? Let's go for it, boys. Okay, let's count. Better than the best, yeah. Tougher than the toughest, bhi gaya. Where horsepower ends, willpower starts. आज बैंड बजा दी बुढ़े ने यार, आन भी गई शान भी गई और बान वो भी गई यार। बैंड बजा दी साले ने।
शरीर काम नहीं कर रहा, सुन्न पड़ा है पूरा शरीर। बैंड बजा दी। अबे तेरी क्या बैंड बजा दी, सबसे पहले तो तू ही गिरा है, बैंड तो हमारी बजी है। क्या बैंड बजाई और तूने क्या उखाड़ा मुझसे ज्यादा? सिर्फ 20 जिप्स ही तुमने ज्यादा मारा है मुझसे, सिर्फ 20। और इसको देखो, बॉडी बिल्डर बन के घूमता है, बुड्ढे से हार गया तो बुड्ढे को ताकत दिखाऊं मैं अपनी? देखा हमने, क्या तूने ताकत दिखाई बुड्ढे के सामने? 250 पुशअप मारो फिर समझ में आता है, उसको भी समझ में आया। अरे मैंने उसकी आंखों में देख लिया था, वो रुकने नहीं वाला था यार, इसलिए मैंने पहले ही छोड़ दिया। ये सही निकला, सही में आज का डिनर तो हो गया, अब सुबह का? अबे आज तो जैसे तैसे खा लिया, सुबह खाने की हिम्मत होगी कुछ? कैसे होगा ब्रेकफास्ट? इसे क्या हुआ? ब्रेकफास्ट करेगा तू? हाँ। और ब्रेकफास्ट से पहले का वो कैसे करेगा? क्या मतलब? अबे ड्रामा कंपनी धुलाई। अबे यार सो जा तू यार, पूरा दिन बुड्ढे ने धो रखा है, अभी तू कितना धुलाई कराएगा? इसकी धुलाई पूरी नहीं हुई अभी, राज इसकी और धुलाई कर। बॉयज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप एक बहुत सीरियस मिशन के लिए तैयार हो रहे हैं और आपका दिमाग इस कप की तरह भरा हुआ है। इट्स फॉलिंग सर। सर इसमें अब मैं जो कुछ भी डालूंगा बाहर गिरेगा। अगर आपको यहां से कुछ भी सीख के जाना है तो इस कप को खाली करिए। लेट्स गो फॉर अ वॉक। ऊपर देख, ऊपर बुला रहा है। अरे यार ऊपर नहीं यार, नीचे आ जाओ सर। कहाँ जा रहा है यार ये? यार मैं नहीं जा रहा यार। अब तो रेड सर बोल लो यार, और जुलाई नहीं चाहिए यार मुझे अब। यू हिप्पीज, व्हाट हैपेंड? व्हाट हैपेंड? शरीर थक गया है सर, हॉर्स पावर खत्म हो गई सर। हॉर्स पावर खत्म हो गई? हॉर्स पावर खत्म हो गई? थिंक अबाउट इट, तुम लोग यहां अपने लिए नहीं आए हो, देश की सेवा के लिए आए हो। सोचो उनके बारे में, तुम्हारे स्कूल कॉलेज के दोस्त हैं जो कारगिल में पढ़े हैं। थिंक अबाउट देम, तुम्हारी उम्र के लड़के सियाचिन में -50 डिग्रीज में बैठे हुए हैं। हॉर्स पावर खत्म हो गई, उंगलियां गल जाती हैं उस सर्दी में, नाक की कहानी बन जाती है ठंड के मारे, एक एक सांस उनकी जान की दुश्मन होती है। हॉर्स पावर खत्म हो गई। तुम्हारे साथ के लड़के हैं वो, गेट अप, गेट अप। रिमेंबर, वेयर हॉर्स पावर एंड्स विल पावर बिगिंस। Where horsepower ends, will power begins.
फॉलो मी। आंखों में आग तेरी, कदमों में आसमां, डंके की चोट पर तू कर दे ये फैसला। आंखों में आग तेरी, कदमों में आसमां, डंके की चोट पर तू कर दे ये फैसला। जलती आग का एक समंदर जो है तेरे दिल के अंदर, तू तबाही तू बवंडर सा, चीर दे अब पर्वत का सीना, मुश्किल कर दुश्मन का जीना, जीत ले तू अब ये दंगल। हाँ सोचना dead. You're dead too. Sorry, sir. We got you this time, sir. We got you, sir. I think you boys are ready. Tu kisi ki aankh ka tara, tu kisi ka chand hai, tu kisi ki vaisakhi to tu kisi ki aan hai. वतन पर मिटने वाले तू वतन की जान है। कतरा कतरा बोल रहा है, रगों में तेरे खोल रहा है, खून तेरा जैसे हो ज्वाला, धड़कन जैसे साज हुई है, सांसे ये आवाज हुई है, गा रही है एक ही गाथा। Shedil, stop here. क्या हो गया? Guys, we should celebrate, yeah. Come on. क्या? Celebrate किस लिए? Phone on करते ही जो गालियाँ पढ़ने वाली हैं, उसके लिए celebrate? को? तेरे को? Come on, यार. We should celebrate, yeah. Come on. चलो, let's do it. Okay? Yeah. Okay, Shedil. So my favorite place, my favorite joint. And I'll send you guys the location. Okay, then. Okay? ठीक है, लेकिन अगर three Indians celebrate कर रहे हैं, तो कलसी जी को भी invite करते हैं। कलसी को क्यों? No. अरे bill कौन pay करेगा? That's a point. Let's go. Jokers, late as always. Yes, sir. चाय पिलाओ. Sir, चाय? Sir, Long Island iced tea चलेगी. Iced tea? हाँ ले आओ. Okay, sir. सर, इसके साथ कुछ चखना? तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे मैंने कोई ड्रिंक ऑर्डर की हुई है। यस सर। क्या यस सर? इतना यस सर तो हम भी नहीं करते जितना तू यस सर कर रहा है।
यस सर, ये अल्कोहलिक ही है। चाय मांगी थी, टी ले जाइए। लेके आ एक हॉट कॉफी, नॉन अल्कोहलिक। और इस बार कोई लंबा आइलैंड या टापू लाया, तेरे लॉन्ग आइलैंड को शॉर्ट कर दूंगा, समझा? ले जाइए। ओके सर, ओके सर। One more coffee. One cappuccino, please. वेटर, एक कॉफी और ले आना। What happened? कितनी कॉफी पियो अभी? अब तो मशीन भी बोल रही है, मुझे माफ करो। देख, मैं तो टाइम पे आ गया, मैंने पहले ही बोला था आई वुड बी लेट। वैसे लेट क्यों, एंड व्हाट हैपेंड टू यू? डोंट आस्क। शारिन को समझाया था इतना क्लोज मत आओ, बट शी डिडंट अंडरस्टैंड। कौन शारिन? शी लिव्स इन माय नेबरहुड, वी हैव बीन डेटिंग ईच अदर फॉर सम टाइम नाउ। सो अब हो गया जो होना था। मतलब? शी डिलीवर्ड टुडे। बेबी? यस। शर्म नहीं आती? लोग क्या कहेंगे, कैसे मैनेज करोगे? सीरियसली यार, इट्स अनदर लाइफ, क्या करें, करना पड़ेगा मैनेज। डूब मरो। अब प्यार किया है तो बच्चे भी होंगे, इसमें शर्म कैसी? शेम ऑन यू। अरे जब इंसान के हो सकते हैं तो बिल्ली के नहीं होंगे क्या? शारिन, सो बच गया तू, मैं भाभी को फोन करने वाला था। इट्स हॉट हियर। व्हाट द फर? व्हाट द फर? वे शाहन? चलो चलते हैं यहाँ से। अभी चलने का टाइम है। गाइस व्हाट्स अप? ये लो। रख रख, अभी रख इसको। आइए आइए, आप बैठो। आइए आइए, आप बीच में बैठिए। आइए बीच में बिठाओ इसको। अबे क्या हो गया, चार कॉफी पी गए? Where were you? कहाँ था भाई, कितनी वेट कराता है? अरे यहीं था यार। एनीवेज़ द फोन? फोन यहीं है मेरे पास। आई हैव कॉल्ड सो मेनी टाइम्स। साइलेंट पे था यार, सॉरी। तेरा सारा हिसाब लूंगा, तू आदमी तो ठीक टाइप का है ना? होल्ड ऑन होल्ड ऑन, चेक दिस आउट, चोर की दाढ़ी में तिनका। व्हाट? समथिंग देयर? ओह वाओ, पता ही नहीं है भाई साहब को। अबे एवरी डे। अबे अबे कुछ नहीं यार, बस आजकल लिपस्टिक लगा के घूम रहा है। अरे नहीं वो, नो वरीज। कि तुझे लड़कियां क्यों नहीं मिल रही? हो गया यार। बेटा छोड़ ना। यस सर। कैपेचिनो? ओके सर। हो जाता यार। इनके लिए वो लंबा वाला आइस टी लेके आओ, जितना लंबा उतना ही अच्छा इनके लिए। थोड़ा चखना भी ले आना। ओके सर। ए नहीं नहीं, कॉफी कॉफी ले आओ बस, दैट्स इट। ओके सर। क्या है ये? लॉन्ग आइलैंड, लॉन्ग आइलैंड लंबा। वी ऑर्डर्ड समथिंग फॉर यू गाइस। With due respect, she's nice. She's hot.
मेन गेट की सिक्योरिटी लगा चुके हैं हम लोग, अंदर की सिक्योरिटी पूरी चार्ज्ड है, बैक गेट हम लोग देख रहे हैं। नाउ यू नीड टू बी डिप्लॉयड ऑन द रूफटॉप। लेट्स गो। ऑलराइट, लेट्स गो। ऑलराइट, मैं एक राउंड लेकर आता हूँ, यू टेक द रूफ, बाकी सिक्योरिटी मैं चेक करके आता हूँ। मंत्री जी सेटल डाउन हो चुके हैं, ऊपर स्नाइपर की जरूरत नहीं है, आप नीचे आ जाइए। ओके सर, आई एम कमिंग डाउन। चल वापस चलते हैं। क्या यार, फिर वापस? फक मैन। अरे सर, हैव ए सीट। की हाला सर? शेरदिल, हाउ यू डूइंग? ऑल वेल, फाइन सर। सो जवानो, ये क्या हो रहा है? टारगेट सामने है और तुम मैदान छोड़ के जा रहे हो? नहीं सर, इसका किला फतेह हो चुका है। अरे है? नहीं सर, मजाक कर रहा है। आई एम फिट सर। अच्छा, आई एम ऑल गुड सर। ऑल गुड? या। और सर क्या लेंगे आप? लाहौर देगा? बात करता है सर। कॉफी ऑर्डर करता हूँ। आई विल बी बैक। ये कॉफी ऑर्डर कर रहा है सर? ये देख लो कौन सी कॉफी पिलाने गया है अब। ये और कॉफी? One coffee, please. What? Sir, your hot coffee. Oh my god, you're so hot. What? Coffee. It's hot. I can handle it. Thank you. सर मैं अभी वॉशरूम में जाता हूँ। सर देयर इज सम पार्टी गोइंग ऑन। Alright, see ya. So I'll settle the bills. Bill, please.
ओके मैम। Not a nice conversation. Not right, actually. हाँ, पता है, I know. Sorry about that. आपका sorry. You actually mean it. Typical attitude. अकेली लड़की देखी and start hitting on her. Try मारो, क्या पता? नहीं. No, ऐसा बिल्कुल नहीं था. कोई बात नहीं, at least you have a heart. माफी मांगी आपने, sorry बोला. अच्छा पंच कर लेती हैं आप. आप मुझे embarrass कर रही हैं. क्यों? काफी experience है आप पंच खाने में, हाँ? आज आप ही से training start की है. नूर. I can see that. शाहान, शाहान अली. वो लोग दोस्त हैं आपके? हाँ, professional hazards. Leave them. क्या यार? Impression डाल रहे हो, Mr. Shahan Ali. I hope it's working, Miss Noor. Way to go. Good meeting you. चलो बाहर लेके चलो इसे। इसे देखो, पकड़ो इसको। आइए सर। राज। थैंक यू सर। ऑलराइट गाइस। सर। टेक केयर। गुड नाइट। भाभी का नंबर लिया? कहाँ है भाभी? सब कुछ आज ही कर लिया क्या? कमाल हो गया यार। क्या? आई लव हर मैन। मैदान मार लिया लगता है लड़के ने। तो ऐसा कर,
कल शादी कर ले। मेरा बस चलता ना, आज ही शादी कर लेता। फास्ट मैन, तू तो बालिग हो गया। चल, कांटेक्ट कैसे करेगा? नंबर लिया? नंबर नहीं, नहीं लिया। ये देख, जा रहा है तेरा टाइम। गया, नहीं आएगा तेरा टाइम, चला गया। नेवर माइंड। चलो, हेलो, अरे जो आना था वो तो आया नहीं, फोन आ गया। यस सर। ये आवाजें कैसी आ रही हैं? समथिंग गाइस, समथिंग सीरियस। व्हाट हैपेंड सर? चीफ साहब मेरे पे चला रहे हैं, और जो न्यूज मुझे मिली है वो न्यूज ये मिली है कि मंत्री साहब गायब हो गए। क्या? मंत्री साहब गायब हो गए हैं। कब हुआ सर? ये कल रात को। व्हाट व्हाट? और सुनो, उसके जो उनकी एक पीआर है वो भी गए। शिट, कल रात को तो हम भी थे वहां पे। हां, तो वहां पे थे, तुम्हारी आंख के तुम्हारी नाक के नीचे से उनको लेके गए। बट सर, हमारे जाने तक एवरीथिंग वाज फाइन। जो भी लीड नहीं है, अब लीड कहां से लाएंगे? क्या कर सर? सर, आई हैव समथिंग टू से। व्हाट डू यू हैव टू से? सर, मे बी आई हैव समथिंग। यू हैव समथिंग? व्हाट? सर, कल रात बार में मैंने अपना फोन उसके फोन के साथ एक्सचेंज कर दिया था। What? That was a master stroke you did with. Well done. This will be helpful. फोन निकालो। फोन निकालो और उसको फोन करो अभी के लिए। Yes sir. मंत्री जी, गुड मॉर्निंग। मेहमान नवाजी पसंद आई हमारी? रात तो ठीक से गुजरी ना आपकी? कोई आखिरी ख्वाहिश? क्या चाहते हो तुम? तुमने अभी तक अपना नाम भी नहीं बताया। क्यों बुलाया है मुझे यहाँ इस तरह? आपने मजबूर किया हमें यहाँ बुलाने के लिए। आपके जैसा बड़ा आदमी अपने आप तो चल के आएगा नहीं हमारे पास। कौन हो तुम? रोज मेरे बारे में बात करते हो, रोज मेरे बारे में सुनते हो मंत्री जी। मैं हूँ अबू खौफ। बेल जा रही है सर। इट्स रिंगिंग। तुमने अपने चेहरे पे ये मुखौटा जो लगा रखा है, दिखा दें? ठीक है, दिखा देंगे, लेकिन थोड़ी सी देर में। काफी बातें करनी है तुमसे। लेट्स गेट टॉकिंग। कट गया, फोन कट गया। मैडम, आप फोन देंगी या हम जबरदस्ती से ले लें? फोन कट गया है, but that was awesome lead. The thing is,
खुशी को फोन दो, वो ट्रैक करेगी अभी के अभी। राइट नाउ सर। लेट्स बी गोइंग। कम गाइस। मैडम आप तो बहुत स्मार्ट हैं, फोन लेकर यहां तक आ गई। इधर आओ, ये देखो बेवकूफों। कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें यहां आने में कम से कम 24 घंटे लगेंगे। बांधो इसे और इसको भी लेके जाओ। इंटरसेप्ट्स। यस सर। Team, preparations, all done chief. As per the location coordinates, ये जगह ब्लैक माउंटेन के घने जंगलों के बीचों बीच है, जिसे काली पहाड़ी कहते हैं, और ये unapproachable है क्योंकि ये isolated और remote जगह है, which is ideal for concealment. Also ideal for ambush. Possible है chief. वैसे भी ये काली पहाड़ी के बारे में बहुत सी बातें सुनने में आ रही है। लोकल विलेजर्स दे अवॉइड टू विजिट दैट रिमोट एरिया। द रीजन बिहाइंड दैट कि उनको लगता है इट्स अ कर्स्ड एरिया और जो कोई भी वहां जाएगा जिंदा वापस नहीं आएगा। ओके। पर हमें लगता है कि वो जंगली जानवरों का काम हो सकता है। मेबी। एनी अदर इंफॉर्मेशन? सर, इस एरिया का लास्ट गांव ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर फ्रॉम काला पहाड़ी, उसके बाद कोई और रास्ता नहीं है। एक पुल है और उसके बाद एक कच्चा रास्ता जो इस पॉइंट तक जाता है, पर ये रास्ता कहाँ तक जाता है पता नहीं। इनफैक्ट मॉनसून्स की वजह से कभी कभी ट्रैप्स भी बन जाते हैं। वर्से गाइस, शेरदिल। बट सर, अगर हम इस रास्ते गए देना चांसेस आर लो। मतलब दे वुड बी एक्सपेक्टिंग अस। ओके, व्हाट आर द ऑप्शंस डू वी हैव? 3 ऑप्शंस। पहला फ्रंटल, सीधे जाएं। दूसरा चॉपर्स ड्रॉप यू गाइस एट द लोकेशन, और जो तीसरा है अनकन्वेंशनल, फॉलो द ऑल्टरनेट रूट एंड एम्बुश देम। चॉपर्स रूल्ड आउट। ये तो सीधे मौत के मुंह में जाने वाली बात है, नॉट पॉसिबल। इतने घने जंगल में कोई चांस नहीं ले सकते। राइट। इनफैक्ट स्टेल्थ इज द आंसर। एक हिट करना होगा और एक्सट्रैक्शन करना होगा। ठीक है, तो स्विफ्ट एक्शन, स्मॉल टीम, डिस्ट्रॉय देम, सरप्राइज देम एंड कम आउट। सर, इनके इन्फॉर्मर्स भी होंगे आई एम श्योर। वैसे भी हमारी सारी बातें इनको पता होती हैं, हमारे सारे मूव्स इनको पता होते हैं सर। मुझे लगता है इनको इन्हीं के तरीके से डील करना ठीक रहेगा। मतलब? सर, लेट्स कंफ्यूज देम। बिट? यस। खुशी, कितना डिस्टेंस है फ्रॉम लास्ट विलेज? लास्ट विलेज इज सुंदरगढ़। सुंदरगढ़ से पुल तक अराउंड 13 किलोमीटर्स। ओके, एंड फ्रॉम पुल टू दिस पॉइंट? अराउंड 17 किलोमीटर्स। क्या कहना चाह रहे हो? शाह, इफ आई अंडरस्टैंड यू करेक्टली, यू मीन टू से वी गो इन विलेज तक, उन्हें आने देते हैं अपने पास, उनके इन्फॉर्मर यहां होंगे पक्का। करेक्ट। पुल क्रॉस करें, then disappear in the jungle, probe करें उनके weak points, find out करते हैं। good idea। वहां से attack करेंगे जहां से उन्होंने सोचा भी ना हो। अब तक वो plan कर रहे थे, hit कर रहे थे, और हम guess कर रहे थे, wait कर रहे थे। इस बार हम पासा पलट देंगे। keep them guessing। मुझे लगता है ये risky होगा। ऐसे प्लान में कोई री इन्फोर्समेंट आपकी हेल्प नहीं कर सकते, और एक बार आप ट्रैप हो गए तो आप सारे मारे जाओगे, एंड यू वुडंट एबल टू कम्युनिकेट विद अस। अगर ये सब 48 घंटों में खत्म नहीं होता है तो आई विल बी कॉलिंग आर्मी। अगर आर्मी आती है तो सब खत्म। टाइगर फोर्सेस फिनिश्ड। हम सब खत्म। Thank you.
इधर आओ साहब, क्या सेवा करें आपकी? भैया सबसे बड़ी सेवा है आज की, चाय पिलाओ गर्मा गर्म। कड़क, एकदम कड़क। आओ भैया ले आओ। बढ़िया, चाय कड़क है। अच्छी चाय बनाई है। ठीक है, बढ़िया है, बस गांव देहात में थोड़ा मीठा ज्यादा डलता है। इतना डरा हुआ ये? नमस्ते सर, आपकी तारीफ। सर ये हमारे यहाँ के सरपंच साहब है। आइए सरपंच साहब, आइए। आपको खबर लग गई हमारे आने की? हाँ सर, संदेश मिल गया था। आप बताइए आपकी क्या सेवा करूं?
यहां जाना है, इधर रास्ता बताओ। क्यों अपनी और मेरी जान के पीछे पड़े हो सर? मैं भी परिवार वाला हूं। क्या नहीं, आपको लेके जा रहे हैं क्या? आपको नहीं लेके जाएंगे, बट हमें जाना है। यहाँ जगह भर का रास्ता बताइए, बस दैट्स इट। साहब जरा पास आइए, मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। चले चले। आइए सर। सर मैं आपको अपने गांव ले चलता हूँ, क्योंकि ये जंगल का इलाका है, यहाँ रात जल्दी हो जाती है। यार जिसको देखो ऊपर ही लेके जा रहा है सबको, बहुत जल्दी हमें ऊपर पहुंचाने की। साहब आज यहीं विश्राम कीजिए, वह जगह मैं आपको सुबह दिखा दूंगा। लेकिन साहब एक बार और कह देता हूँ, वो जगह बहुत खतरनाक, वहाँ भूत पिशाच और नरभक्षी रहते हैं। आप बस हमें ये रास्ता बताओ, बाकी सब सारे भूत पिशाच को सबको भगा देंगे हम। बहुत वक्त बीत गया सरपंच जी। फिर भी सर मैं एक बार और कहूँगा कि ज्यादा बोलोगे तो साथ ले जाएंगे, ठीक है? भलाई इसी में है, चुपचाप रास्ता बता दो, बाकी हम सब देख लेंगे। ठीक है हुजूर, थोड़ा आराम कीजिए। क्या हालचाल प्रधान जी, आप लोग? नमस्कार इंस्पेक्टर साहब। हम क्या लग रहे हैं तुम्हें? सॉरी सर, इन्फॉर्मेशन नहीं थी कोई, तो इसीलिए पता नहीं था। तो आपको बता के आएंगे? अरे नहीं सर, बता के आते तो कुछ इंतजाम करके रखते। जैसे? क्या इंतजाम? जैसे खाने पीने का, आपके रहने की सुविधा का। कुछ नहीं चाहिए। अरे सर एक मैप है, इस पे ये स्पॉट बताइए कि ये काला पहाड़ कहाँ है। क्या सर इन्होंने कुछ बताया नहीं? कुछ नहीं बताया इन्होंने, तुम बताओ कहाँ है काला पहाड़। सर ये अजीब सी जगह है, कोई यहाँ पे नहीं जाता। तो क्या पुलिस वाले होके डरते हो? यहाँ जो भी गया है कोई वापस नहीं आता। तुम अपने काम से काम रखो, हमें अपना काम देखने दो। मैप पे बताइए कहाँ है ये काला पहाड़। दिखाइए सर। सर इसके लिए आपको पुल पार करके जाना होगा, वहां से एक कच्चा रास्ता जाता है जो आपको इस मंजिल तक, स्पॉट तक पहुंचा देगा। सर आप कुछ खा लें, आराम कर लें, आपको अभी बहुत दूर जाना है। आइए प्रधान जी, थोड़ा चलें। बंदा थोड़ा टेढ़ा लग रहा है। सर आपने उन्हें गलत रास्ता बता दिया सर, वो रास्ता बहुत खतरनाक है। कहाँ सरपंच जी, उनकी तो हमने जान बचाई है। आपको तो पता है जंगल से कोई वापस आता नहीं है, इतने जानवर भयानक घूमते रहते हैं, अगर जंगल के रास्ते जाते तो उनकी मौत तो निश्चित है। पानी 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 पानी। ओहो पानी पिलाया जा रहा है, बहुत बढ़िया। देखा मैडम, पानी पिलाना कितना नेक काम है, और आप बेवजह ही हम जैसे लोगों को दरिंदा समझती हैं। बहुत बढ़िया काम किया तुमने, बैठो बैठो, इसकी सजा तुम्हें मिलनी चाहिए। हाँ या ना? हाँ। नहीं? हाँ, हाँ ये बात। लेके आओ इसे।
बैठिए। आप मुझे क्यों लाए हो यहाँ? What do you want? आपके पास एक इन्फॉर्मेशन है। कौन सी इन्फॉर्मेशन? आपका एक एजेंट है उसकी। अब आप प्यार से बताएंगी प्लीज, या फिर देखिए अगर हम चाहें तो आपको बहुत तकलीफ दे सकते हैं, लेकिन नहीं, अगर आप कोऑपरेट करें तो बहुत कुछ अच्छा भी हो सकता है। मुझे नहीं चाहिए कुछ अच्छा। Let me go. Release us. आपने मंत्री जी को भी किडनैप किया है। Do you even know the consequences? I know it. He has to die. Don't worry. आपको भी जल्दी आजाद करेंगे। और ये लोग कब जा रहे हैं? इनको और क्या इन्फॉर्मेशन दिया आपने? आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है कौन आया आपके गांव में? हम तो आपसे सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। मैं आपसे बात करने ही वाला था। मैंने सोचा था आपको जल्द से जल्द बता दूंगा, लेकिन मौका ही नहीं मिला। कोई नहीं, डरने की कोई बात नहीं। इनके अलावा और कोई आया है क्या? इनके अलावा किसी को नहीं देखा। तीन ही जने हैं पूरे? यही तीन ही लोग हैं। Guys, check it out. Just a precaution.
नो वरीज। शाहान, यूज अ नाइफ इन केस ऑफ एन एनिमी अटैक, अवॉइड गन फायर। ये लिफ्ट मेरी बरे। पुल से नहीं जाएंगे। As discussed, नदी के साथ साथ जंगल के रास्ते। On your left. Guys, sub movement on our left. He is dead. किसी ने पीठ पे गोली मारी है। Turn him around. Take his mask off. अरे ये तो वही इंस्पेक्टर है, शाम वाला। ये हम पे गोली चला रहा था, मतलब ये खौफ का आदमी है। हम तेरे बहुत करीब पहुंच चुके हैं। कौन बोल रहा है? शाम कहाँ है? शाम? हेलो हेलो। तेरी मौत। तुम्हें तुम्हारी मौत बुला रही है यहाँ। जल्दी आओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। बहुत जल्द तेरे पास पहुंचने वाले हैं। तुम्हारा यहाँ बहुत बेसब्री से इंतजार हो रहा है, जल्दी आओ। खौफ, क्यों मारा उसको? मैडम को पानी पिला रहा था। खौफ को पहले से ही इस पे शक था। मुझे पता है सम्स, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। बेवजह का शक मत किया करो। कौन है जिस पर तुम विश्वास करते हो? ये और खुद पर। शम्स, मैं ऐसे ही शक नहीं करता। मुझे लगता है खौफ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती कर रहा है। अच्छा, सजा जानते हो? सर कटवाना चाहते हो या उसकी तरह तेजाब में गलना पसंद करोगे, बताओ? मौत से इतना डरते हो तो यहाँ क्यों आए? मेरे हिसाब से तो तुम्हें मिठाइयों की दुकान खोल लेनी चाहिए। ऐसे भी तुम्हें देखकर रसगुल्ला ही याद आता है। बस एक बार वो एजेंट मिल जाए जिसने सारा काम रोक के रखा हुआ था। मैं तो कहता हूँ मंत्री को और सेक्रेटरी को एक घंटे के लिए मुझे दे दो, मैं सब कुछ उगलवा दूंगा। अच्छा,
मंत्री भी ले लो और एक घंटा भी ले लो। गोली है तुम्हारे पास या एक दे दूं? जल्दी चलो, खौफ ने बुलाया, शाम मारा गया। गाइस, हमारे पास काले पहाड़ का मैप है एंड दिस इज अबू खौफ डेन। हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो डायरेक्ट जंगल से और या तो ये रिवर क्रॉस करके। आई बिलीव दे वोंट बी एक्सपेक्टिंग अस फ्रॉम दिस रूट। आई थिंक शाहान इज राइट, दो वी वुड हैव टू क्रॉस डबल द डिस्टेंस इन सेम टाइम। ओके, लेट्स गेट गोइंग। अल्फा, टाइगर फोर्सेस नियर बाय। They have taken out Shams. I'm going all out. जल्दी काम पूरा करूंगा। What have you done? You have become complicit. Don't leave any trail. I told you not to move into the base. Don't run away. Finish them all. Finish the base. बेशक। क्या हुआ, कुछ पता चला? टाइगर फोर्स है पुल के पास, अभी देखा है। यहाँ तक आ गए, वेलकम करो और वही खत्म करो। नहीं, अब तो ये मेरी प्यास बुझा कर ही जाएंगे। वही खत्म करो इन्हें, खामखा खतरा मत बढ़ाओ। इसकी वजह से क्या हुआ बुजर? उंगलियां कमजोर हो गई हैं या नजर? शाम मारा गया और उसकी आइडेंटिटी भी रिवील हो गई। देखना है जरा मेरी उंगलियों का सर। शाम मारा गया क्योंकि उसने दुश्मन को बेवकूफ समझा। कहीं यही गलती तुम भी तो नहीं कर रहे? खत्म खत्म करो ये सब, बहुत हो गया। तुम लोग को बिल्कुल समझ नहीं है, बदअकल हो सब। यहां दुश्मन सर पे खड़ा है, तुम लोग आपस में लड़ रहे हो। ये सब बाद में निपटा लेना, अभी उनके इस्तकबाल की क्या तैयारी है ये बताओ। शम्स, पहले जरा मंत्री जी की खातिरदारी तो करो, पूछो इनके एजेंट का नाम। दिन बाद मुलाकात हुई आपसे। हरामखोर, धोखा दिया मुझे। इतने साल मेरे साथ काम करने के बाद दगाबाजी की मेरे साथ। जरा जरा अपनी चाकू की धार तो दिखाओ मंत्री जी को, शायद अपने एजेंट का नाम बता दें।
मंत्री जी, इंटरनेट तो देखते ही होंगे आप, सर काट के फुटबॉल खेलते हैं हम। शम्स, जाके बाहर तैयारी देखो। What say, guys? Attack tonight? We should end this game. कल सुबह पूरे एक्सपोज हो जाएंगे हम। डायरेक्ट लाइन ऑफ फायर में हैं हम। Even now, I'm sure they must have night visions. No way, guys. Decide. Last chance. Take it or leave it. Guys, stop. Let's mark the target and move ahead. अब कुछ नहीं हो सकता. Check your ammo. Let's check them out. I can see three positions. Two snipers, 3 o'clock. We must go around. I say, let's surprise them. मुझे लगता है इन्होंने फ्लैंक्स पे ज्यादा फोकस किया होगा। बूबी ट्रैप्स और माइंस दोनों ही होंगे इनके पास, आई एम श्योर। शान सही कह रहा है। दे आर एक्सपेक्टिंग अस। नोइंग देम, वो फ्रंट अटैक कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे हमसे। शहीदों, हम सब शहादत के लिए आए हैं। अगर कोई भागना चाहे तो अभी भाग जाए। कहां तक भागोगे? ये टाइगर फोर्स के छोटे बच्चे हमारे पीछे पड़े हैं तो क्या हुआ? रुको मेरे साथ और लड़ो, खत्म कर दो इस टाइगर फोर्स को। हमारे रास्ते की जितनी भी मुश्किलें आई सब खत्म हो गई। खत्म कर देंगे इस टाइगर फोर्स को। रुको मेरे साथ, लड़ो, ताकि आज से 20, 30, 40 साल बाद जब तुम बिस्तर पर पड़े होगे, तुम्हारे जिस्म में ताकत नहीं होगी, पानी पीने के लिए भी तुम मोहताज हो गए होगे, उस दिन तुम आज का दिन याद करोगे और सोचोगे कि काश मैं आज के दिन लड़ गया होता तो आज मेरी मंजिल मुझे मिल गई होती, और अगर शहीद हो जाता तो जन्नत मिलती। तो आओ मेरे साथ और खत्म कर दो इस टाइगर फोर्स को। क्या सब तैयार हैं? जाओ अपनी अपनी पोजीशंस लो, उस दिन के लिए और उस जीत के लिए। पर याद रखना, जो भी पीठ दिखा के भागा वो जहन्नुम में जाएगा, और मैं खुद उसे जहन्नुम में भेजूंगा। जाओ। अल्फा, वी आर सराउंडेड, नीड बेल आउट। मुझे निकलने की परमिशन चाहिए। फाइट विद देम, डोंट लीव बिट्स, फाइट देम। अल्फा, आई नीड परमिशन टू लीव। नो, आई नीड बेल आउट। नो वे, नॉट पॉसिबल। फाइट, फाइट देम, डोंट रन। ओके राज, टेक लेफ्ट पोजीशन, शाह टेक राइट, लेट्स मूव अहेड। गाइस, वेट, आई वांट टू से समथिंग। पता नहीं आगे क्या होगा, बट आई गेस आई रियली लव बोथ ऑफ यू। क्या बोल रहे हो? रियलिटी, वी मे नॉट सर्वाइव दिस। कुछ नहीं होगा, एज लॉन्ग एज वी आर टुगेदर। साथ रहना, अप क्लोज, एंड लेट्स कवर ईच अदर। Thank you.
मंत्री जी, काफी यंग हैं आप, इतना रिस्क क्यों लिया आपने? क्या चाहते हो आप? आपने पूरी फोर्स मेरे पीछे लगा दी, मेरे बेहतरीन एजेंट्स को मरवा दिया, और अब ये टाइगर फोर्स, चाहते क्या हो आप मुझसे? स्पाई गेम्स खेलना सिर्फ आप ही को नहीं आता, और भी बहुत सारे चैंपियंस हैं। तुम ये सब काम कब से करने लगे? तुम तो रॉकी के साथ मिलके अच्छा खासा बिजनेस कर रहे थे, काफी सारा पैसा भी तुम दोनों ने मिलके कमाया, उसके बावजूद तुमने ये सब किया? ये वतन तुम्हारा भी उतना ही है जितना मेरा, इस वतन ने तुम्हें भी उतना ही प्यार दिया। क्या दिया? जो हमें चाहिए वो हमें चाहिए, प्यार से या फिर छीन के। और मंत्री जी, मैं कोई कॉर्पोरेट ऑर्बिट नहीं हूँ, जिस तरह से आप हमें इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं वैसे हम भी कर सकते हैं। आपने अपने एजेंट्स हमारे पीछे लगाए और हमने भी अपना एजेंट आपके बीच में से निकाल लिया। आपका अपना फाइनेंसर? रॉकी, तुम यहाँ कैसे, वो भी इन लोगों के साथ? इलेक्शन ज्यादा दूर नहीं है, पता नहीं मानेगा। मुझे लगता है थोड़ा वेट कर लेना चाहिए। मनाने की क्या जरूरत है, सीधा मार के खत्म करते हैं। तुम पर मैंने भरोसा किया और तुमने ये सब किया। मंत्री, भाषण मत दे, इट्स ऑल अबाउट द मनी। रॉकी, तुमने ये बहुत गलत किया। जब इलेक्शन फंडिंग लेने आते हो तो सब कुछ सही होता है क्या? ये सब कुछ पैसों के लिए हो रहा है। देखो, चुपचाप तो अपने एजेंट का नाम बता दो, इसमें हमारा तुम्हारा सबका भला है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है, अगर तुम अपने एजेंट का नाम बता देते हो तो देखो कितना फायदा होगा। रॉकी, तुम ये बहुत गलत कर रहे हो, बहुत गलत। तुम्हें पावर चाहिए, हमें पैसा चाहिए। अगर ये तुम बता देते हो तो जितने भी माफिया हैं, जितने भी ऑर्गेनाइज ड्रग कार्टल्स हैं, सब हमारे साथ काम करेंगे। ये सब के ऊपर होगा, दोनों मिलकर बहुत कुछ कमाएंगे। बोलो शेरदिल, पोजीशंस रिवर्क कर ले, मैं आगे। नहीं, आई विल बी द लीड मैन, आई हैव द फास्टेस्ट फिंगर्स। आई एम श्योर चीफ नोज इट। शाह, नो टाइम फॉर जोक, सॉरी। राज, बिहाइंड मी। शाह, यू कवर आवर बैक्स। थ्री इंडियंस, ऑल द बेस्ट। कल सुबह तक का समय है आपके पास, अगर आपने अपने एजेंट का नाम नहीं बताया आपका भी वही हाल होगा जो बाकियों का हुआ। ऐसा कभी नहीं हो सकता। खौफ, ये ऐसे नहीं मानेगा। मंत्री जी, चॉइस नहीं दे रहे आप। माइंस एक्टिवेट करो जल्दी। चलो, गो 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 गो। एनर्जी इनकमिंग, आज भी केबल गाइस, टेक कवर। I am okay. Are you okay? I'm fine. Multiple hostiles incoming.
इजाजत है कि नहीं? क्या कर सी, यहां भी इजाजत? मैं इजाजत मंगी, उन्हें नहीं देती तो मैं ठोक। कहाँ जा रहे हो खौफ? आई जी आप टेक आउट दिस एमएमजी। इट्स किलिंग अस गाइस। लेट्स टेक इट आउट। I don't know, but I think I have stepped on something. Shah, Shah, पैर मत उठाना, it's a mine. लीजिए मंत्री जी, आ गई आपकी टाइगर फोर्स। अभी ये सब मारे जाएंगे आज, और वो भी बहुत बेरहमी से। बंदूक के नीचे कर दो अपनी, कोई फायदा नहीं है। वैसे हम सरप्राइज के तुम लोग यहाँ तक पहुँचे, और वो जो वहाँ स्नाइपर्स छुपे हुए हैं उनको बोलो कि वो बाहर आ जाएं। स्नाइपर्स हमारे पीछे? हमारे पीछे स्नाइपर्स क्योंकि इस पूरे एरिया में मैंने माइंस को एक्टिवेट कर दिया है। मेरे तीन गिनने तक अगर तुम लोगों ने अपने हथियार नीचे नहीं डाले और ये स्नाइपर्स बाहर नहीं आए तो मैं इन माइंस को डिटोनेट कर दूंगा। 1 2 आप, आपके चीफ और एक और। क्या बात है, पूरी की पूरी टाइगर फोर्स भी यहां है। चलो अच्छा है, एक साथ ही सब खत्म हो जाएंगे। ये पेड़ कौन है बाय द वे? मैं। रैट सर। चीफ कलसी जी, तेरा खेल खत्म हो चुका है खौफ। तेरे सारे बंदे न्यूट्रलाइज कर दिए गए हैं। ये तुम डिसाइड नहीं करोगे, कोई जिंदा वापस नहीं जाएगा यहां से। पुट योर गन्स डाउन। बहुत अच्छे, क्या मजाक है ये? ये कोई मजाक नहीं है खौफ, तुमने गलत जगह बंदूक घुमा दी है। तुम अच्छे से जानते हो खौफ, ये बंदूक कभी भी गलत जगह नहीं घूमती। स्पाई गेम्स के तुम ही चैंपियन नहीं हो, और भी है। ये डेटोनेटर अभी भी मेरे हाथ में ही है। ट्रिगर मेरे हाथ में खौफ, माइंस डेटोनेट नहीं हो सकते। क्या बात कर रहे हो? किसको दी थी तुमने ये माइंस?
एक्टिवेट करने के लिए। डोंट मूव। कब का मार देते तुझे खौफ, अगर तेरे हैंडलर तक नहीं पहुंचना होता तो। मैं तो कहता हूं मार के इस किस्से को यहीं खत्म करते हैं। मार तो कभी भी सकते हैं, इतनी जल्दी भी क्या है। कैच इट। Guys, untie them. Sherdill, are you okay? देखा, कुछ देर के लिए अलग हुए थे, और देखो क्या क्या हो गया। One second, Khauf. I believe you have something which belongs to me. My fault. Move. Hello, hey Ashika, listen, I will meet your mom and dad. And listen, I love you. Can I have my phone back now? Only if you promise to call me back again. शाह, बुड्ढा कहाँ है? शर्ट उतार दी क्या? छोड़ यार, खामा खां वाट लग जाती, अपने आप आ जाएगा। रॉकी जी, मुझे फंसा के आराम से सो रहे हो। क्या कहते तुम्हारे मंत्री जी? ये शह और मात का खेल है, ये खेल तो अब शुरू हुआ है और खत्म करूंगा मैं। बहुत शौक है ना तुम्हें मेरे हैंडलर से बात करने का। लो बात करो। I told you I will come back, so we will meet soon. जैसा कोई मुझको
मिला तो सही जिंदगी अब मेरी काबिल हो गई आदत में मेरी जो तुम शामिल हो गई मेरी हर दुआ में खुशियाँ तेरे संग जीना यही ख्वाहिश है